ख्वाब सुनाया अम्मी से। अम्मी से उसने कहा ये आखिरी फोन कॉल है जो हमारे आफिया से हुई है, उसके बाद आफिया से हमारी बात नहीं हुई है। उसने ये कहा कि अम्मी जान, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा रात को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह मेरा ये इम्तहान कब तक चलेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और उन्होंने कहा बेटी तुम्हारे इम्तहान नहीं है, तुम्हारा तो कब का ख़त्म हो गया। तो आप ये कह रही है मैंने एकदम से पूछा कि या रसूल अल्लाह फिर मैं यहाँ क्यों बंद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें नम हो गई, उनके आंसू थे आंखों में और आहिस्ता से बोले और आफिया रोने लगी थी उस वक्त और बोली मैंने क्यों ये सवाल कर लिया, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुन लीजिए जिससे उनकी आंखों में आंसू थे, और वो जवाब ये था कि बेटी ये उम्मत का इम्तहान है, ये उम्मत का इम्तहान है।